आज हम खुदावन के नहायत ही शुक्र गुज़ार हैं जो हमें मौका देता है कि हम अपने ऐसे अज़ीज़ दोस्तों के साथ, ऐसी बहनों के साथ, ऐसी बेटियों के साथ मिल सकें जिनकी ज़िंदगी में जब खुदावन ने काम किया तो हम आज उनके वसीले से बरकत पाएंगे और सुनेंगे कि किस तरह से खुदावन ने उनको ना सिर्फ़ आज़ाद दिया बल्कि उस सच्ची राह को उनको दिखाया जिस पर चलकर उन्होंने ज़िंदगी की हकीकत को जाना और वो खुशी जो उनकी ज़िंदगी में है, जो बयान से बाहर है, आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सो मोनिका, हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपनी गवाही हम अजीज़ों के साथ शेयर करें। As a child, I now know that my spirit was always looking for God, which I didn't know because as a Hindu, as a born Hindu, I was just following the rituals. Mm-hmm. So rituals were going to temple, fasting and idol worship. So I was doing all this. So I was 8 years old. जब मैं 8 साल की थी तो हमारे घर के पास एक चर्च था और मैं उस चर्च में जाती थी, पर सर्विस के टाइम नहीं, जब खाली चर्च होता था तो मैं खाली चर्च में जाके बैठ जाती थी और क्रॉस की तरफ देखती थी बैठ के। अब पता चलता है कि एक 8 साल का बच्चा क्यों जाता है चर्च में और क्या ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जो स्पिरिट है वो तो खुदा को हमेशा से ढूंढ रही थी। yes. पर पता नहीं था, इतनी इग्नोरेंस थी, कुछ mm-hmm. नहीं पता था। और मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, चर्च जाती थी और अकेले में बैठती थी। तो वहाँ पे जो वहाँ के पास्टर थे तो उन्होंने मुझे एक बार बाइबल दी। उस टाइम नहीं पता था क्या किताब दी उन्होंने मुझे, mm-hmm. तो बाइबल दी और मुझे कहा कि जो मोनिका आप घर में आइडल वर्शिप करते हो, जो मूर्ति पूजा करते हो, वो नहीं आपको करनी चाहिए। एक जो जीसस है वही लिविंग गॉड है। तो उस दिन के बाद मैंने चर्च आना छोड़ दिया। okay, आपको गुस्सा लगा? गुस्सा भी नहीं, मुझे लगा वो मुझसे, मैं कैसे अपने गॉड्स को छोड़ सकती हूँ। इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू। तो उनको मैं कैसे कहूँगी, मैं अभी भी उनको अपने गॉड्स को भी पूजती हूँ और जीसस को भी मानती हूँ। तो उस दिन के बाद मैंने चर्च आना छोड़ दिया। सो टेल अस अबाउट कौन सा ऐसा वाक्या हुआ जब आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, एंड हाउ यू आर लिविंग, बिकॉज आई हर्ड दैट यू आर अंडर ऑपरेशन एंड पोजेशन विद डेमोनिक पावर, कैसे आपको आज़ादी मिली? मैं अराउंड 12-13 ईयर्स की थी। इंडिया में बहुत हम लोग सब इसको इन्जॉय करते हैं, एक फ़न था कि हम एक बोर्ड में ABC ऐसे लिख के वो कॉइन में स्पिरिट को बुलाते थे। okay. तो इट वाज अ फन कि स्पिरिट को बुलाया और उससे क्वेश्चन पुट किए, जवाब मिल गए हमें फ्यूचर okay. के। तो इसी तरह से मैं एक दिन बैठी और मैंने उसी स्पिरिट को बुलाया और उससे क्वेश्चन किए, तो उसने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिए। तो उसने कहा कि मुझे दोबारा बुलाना। इसी तरह से मैं उसको अक्सर बुलाने लग गई उसी बोर्ड में, और yeah. मेरे को सारे क्वेश्चंस, मेरे को एग्ज़ाम के पेपर सब बता देती थी yeah. कि, और इसी तरह से मैं उस पर डिपेंडेंट होती गई। मेरी ज़िंदगी की हर ज़रूरत मैं गॉड के पास ही मंदिर जाती थी, वो तो सिर्फ रिचुअल के लिए, पर वो स्पिरिट ही मेरा एक कनेक्शन था गॉड, लाइक मैं उसी को सोचती थी कि जो मांगना मुझे उसी से चाहिए। पहले तो वो बोर्ड में ही चलती थी, बाद में उसको, क्योंकि वो हम इंसान खुद ही इन ईवल्स को एंट्री दे देते हैं अपने अंदर। exactly. हम उनको इनविटेशन देते हैं, वो सिर्फ एक इनवाइट, जैसे जितना आसान है खुदा को बुलाना अपनी ज़िंदगी में कि जब हम जीसस को बुलाते हैं कि जीसस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, yes. वैसे ही जब हम इन ईवल स्पिरिट्स को बुलाते हैं वो तो वेट कर रही हैं, exactly. वो तो सोच में आ जाती हैं हमारी। mm-hmm. तो मैंने तो उसको खुद ही अपने आप को दे दिया था टोटली। yeah. तो वो अंदर ही आके बात करती थी, वो खुद ही मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मेरे उसने कंट्रोल कर लिया, पोजेस कर लिया, आपकी सोचों को कंट्रोल में कर लिया, और वो आपसे माइंड में आपसे बात करती थी, और लिटरली ऑडिबल वॉइस में आप बात करते थे, ऑडिबल पे भी दिखाती थी वो, और उस बहुत बार हमें, मुझे कहती थी कि तेरे से जो गॉड्स हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं, वो बहुत खुश हैं। आज कोई किसी के दर्शन होते हैं, कभी अलग, बहुत से अलग अलग गॉड्स के मुझे साक्षात बिल्कुल क्लियर दर्शन होते थे, वो दिखती थी, वो आते थे वहाँ पे। okay. तो एक मैजिक जो जिनी हाथ में आ गई थी, yeah, एक तरह yeah, से yeah. तो, और पर जब
पर सब कुछ था, पर वो जो ईवल स्पिरिट्स हैं वो आपको ईवल के रास्ते में ही चलाती हैं। तो ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें भी ले आई कि वो उन तकलीफ़ों के लिए भी फिर मुझे उसी के सामने बेग करना पड़ता था कि मुझे उसमें से निकाल। सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं नहीं थी। खुशी सब कुछ वो देती थी, पर फिर उसके साथ तकलीफ़ें भी वही देती थी। यस ओके, सो टेल अस कि किस तरीके से आपने अपनी गवाही में ज़िक्र किया कि आप फिर इस परेशान थे और आपने दुआ की, किस तरह खुदा ने आपकी मदद की? जी फिर जैसे मैं उसी स्पिरिट के पूरे कंट्रोल में थी, तो मेरी डॉटर जब हुई तो वो भी काफ़ी, उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी अब मुझे पता है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि वो जो स्पिरिट्स थी वही क्रिएट करती थी। और मेरी बेटी बहुत बीमार थी, तो मेरे हस्बैंड के साथ कोई एक क्रिश्चियन लेडी है वो काम करती थी, तो उसने कहा कि आप अपनी डॉटर को चर्च लेके आए। तो मेरी डॉटर की सर्जरी थी ट्यूसडे को और संडे को हम चर्च गए। तो जब हम चर्च गए तो चर्च में सब लोगों ने मिलके मेरी डॉटर के ऊपर हाथ रख के दुआ करी। वो सब लोग दुआ कर रहे थे और मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, लोगों की तरफ देख रही थी, ये कितने प्यारे लोग हैं जो मेरी बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं हर रोज़ मंदिर जाती हूँ, पर मंदिर में कोई मुझसे पूछा भी नहीं कभी किसी ने कि कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं खुद इतनी सेल्फिश थी कि जब मैं जीसस को नहीं जानती थी कि मैं इतनी सेल्फ सेंटर्ड थी कि इट वाज ऑल अबाउट मी, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मैं किसी के लिए प्रे तो करना दूर की सोचती थी कि शायद मेरे शेयर में से निकल जाएगा अगर मैंने किसी और के लिए प्रे कर ली, क्योंकि पता ही नहीं था। और तब उस दिन जब सबको देखा तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कितने प्यारे लोग हैं जो मेरी बेटी के लिए प्रे कर रहे हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। एंड मंडे को मेरे को खुदा ने दिल में डाला कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं इसको जाके। आई वेंट टू स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ने मेरे सामने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में फ़ोन करके उसकी सर्जरी कैंसिल करी कि शी डजंट नीड अ सर्जरी एनी मोर। सो दैट वॉज द मिरेकल जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि पर अगेन I was so selfish person कि हम लोग फिर एक बार दोबारा चर्च गए, थैंक यू जीसस किया एंड अगेन बैक टू अपने खुदाओं की तरफ। पर इतना पता था कि जीसस जो है वो गिफ्ट देते हैं, जो जीसस से मांगो वो मिल जाता है। तो जो भी कुछ चाहिए होता था तो जीसस के पास मांगने के लिए आ जाती थी, पर जीसस को पाने की कभी चाहत नहीं रखी। उससे लेने की थी, उससे सिर्फ लेने की थी गिफ्ट की ये चाहिए, तो पता है जो मांगेंगे जीसस से वो तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इन्हीं दिनों मैं उन इट्स बीन लाइक 5 years आई केम टू क्राइस्ट, तो मैं उन दिनों बड़ा स्ट्रगल कर रही थी 2-3 चीज़ों में। एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल चल रही थी कि आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ कुछ चीज़ से जो मुझे खुद नहीं पता थी। और एज अ हिंदू वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे, यू हैव टू बिकम ईच एंड एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड लाइक। तो मैं उन दिनों प्रे करती थी गॉड को कि मुझे ये मंकी, ये इंसेक्ट, ये सब नहीं बनना है मुझे। मैं उन दिनों यही मैं कहती थी कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। उन्हीं दिनों में मैं एक वेंडीज रेस्टोरेंट में मैं जा रही थी ड्राइव थ्रू में, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ गलत फूड दिया, तो मैं कंप्लेंट करने के लिए अंदर गई। मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ, और वो जब मैनेजर आ रही है तो मुझे एक ऑडिबल वॉइस आई, कॉल हर अनु, लाइक उसका नाम मुझे सुनाई दिया। और जब मैं देखा कि कौन है, कोई भी नहीं था, तो खैर वो जब वो आई तो मैंने उसे बुलाया उसके नाम से, तो कहती हाउ डू यू नो माय नेम। मैं उसको कैसे बताती कि मुझे अभी किसी ने कान में बोला है, पर मैंने उसको कहा कि आई डोंट नो। तो वहाँ पे हमने कॉन्वर्सेशन शुरू करी, तो पता चला कि वो 20 years old बैक होम वो मेरी टीचर थी 20 साल पहले। और एंड तो हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया उस टाइम। उसके बाद मैं 6 months तक वी डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट। मैं उस उन 6 months के बाद मेरे एंकल का फ्रैक्चर हो गया, तो मैं आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज एट होम। एक वैसे ही खुदा ने कहा कि उस फ़ोन नंबर पे जैसे फ़ोन करने के लिए अंदर से आवाज़ आई, तो आई कॉल्ड हर, तो शी सेड कि कम ओवर टू डिनर इन हमारे घर आ जाओ। तो उसी रात मेरे हस्बैंड ने कहा वो चल पड़े साथ में। हम गए तो उनके घर में सब जगह क्राइस्ट क्रॉस और जीसस का सब जगह था। तो मैंने कहा कि आप तो हिंदू थे, तो व्हाट अबाउट ऑल दिस। शी सेड नाउ वी होल फैमिली इज क्रिश्चियन।
तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये कैसे लोग हैं जो अपने अपने खुदाओं को छोड़ के किसी और के पीछे चल पड़ते हैं। तो खैर उसके बाद मैं उससे मेरा दिल नहीं करता था उससे बात करने का, पर पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन उसको मिलाने के लिए खुद ही मिल जाता था। मैंने अपने दिल में सोचना शुरू किया कि मैं उससे बात करती थी, वो सिर्फ गॉड 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 जीसस यही बात करती थी, और मैं दुनिया की मैं मूवीज़ पार्टीज़ ये सब बातें करती थी। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ये ना गुमी हुई है, इसको मैं वापस लेके आऊं। मैं सोची थी कि ये गुमी हुई है इसको वापस लेके आऊं, वहां वो दुआ कर रही थी कि ये गुमी है इसको लेके आऊं। तो इसी तरह से एक दिन उसने मुझे एक क्वेश्चन पुट किया, वर्ड में वाकई वर्ड इज अलाइव, वर्ड में इतनी पावर है। उसने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि मानिका अगर तू मर जाएगी तो कहाँ जाएगी। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हिंदू थी, सब रिचुअल सारे देवताओं को पूजती थी, पर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था। सब रिचुअल सब आते थे पर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था। जब उसने कहा कि मरने के बाद कहाँ जाएगी, उसका सिर्फ यही जवाब मुझे पता था क्योंकि मैं उसी स्पिरिट के साथ रहती थी कि मैं भी मर के स्पिरिट बन जाऊँगी और अपने बच्चों को देखती रहूँगी। तो उसने मुझे कहा कि क्यों ना ऐसा क्यों ना हो कि तू भी खुदा के पास चली जाए और तेरे बच्चे भी खुदा के पास आ जाए। ये जो वर्ड था कि मेरा खुदा के पास जाना और मेरे बच्चों का भी खुदा के पास जाना, ये वर्ड मेरे जिंदा वर्ड मेरे अंदर चला गया, ये जिंदा वर्ड मेरे अंदर गया। तो मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है अब कि मैं उसके पास जाऊँ, मैं गुनाहों से भरी हुई हूँ, अगर मैं देखूँ मैं दुनिया का सब गुनाह कर लिया, अपने अंदर देखो तो गिल्ट ही गिल्ट है, मैं उस इतने होली पाक खुदा के पास कैसे जा सकती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि रास्ता है जीसस। ये वर्ड जो था उस दिन, मैं इसके साथ सारा दिन स्ट्रगल करती रही कि ये जीसस, वो वाकई वो ऐसे अंदर चला गया था वो वर्ड। उस रात मेरी डॉटर बहुत बीमार हो गई, मैं उसको अपने शोल्डर पे रखा, हम अपार्टमेंट में रहते थे तो बड़ी सी विंडो और मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ, और उस रात मैं बहुत तंग थी। मैंने उस रात जबान से कहा, ऐसे बोल के कहा कि जीसस अगर आप सच हो तो मुझे दिख जाओ, मुझे सच्चाई दिखा दो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये देवते सच है जो ये सच है, मुझे कुछ नहीं पता, पर आप तो अगर आप सच्चे हो तो मुझे आप अपनी सच्चाई दिखा दो और मुझे आपका सच पता चल जाए। वाकई लिखा है जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटकाएगा उसके लिए खोला जाएगा। उस रात मेरी आत्मा ने जीसस का डोर नॉक किया था। मैंने जब विंडो से बाहर देखा बहुत अंधेरा था और मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट दिखाई दी बाहर। मैं बड़े सुकून के साथ मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो मैं बॉर्न अगेन, उस दिन मेरा बर्थ हुआ, रियल बर्थ, उस मानिका का जो जिसकी आंखें भी हैं, जिसके कान भी हैं, जो सुन सकती है, जो देख सकती है जीसस को, उस मानिका जो लॉस्ट थी अब सेव हो गई। वो मानिका जब मॉर्निंग में उठी, ये मानिका, इस मानिका को जीसस ने दिखाया कि उस दिन उस स्पिरिट ने कहा कि मुझे मेरी भी आज मूर्ति बना के अपने मंदिर में रख दे। एक एक मूर्ति को जब मैंने देखा, मैं उस खुदा का इतना शुक्र करती हूँ जिसने वो आंखें दी, जिसने एक वीडियो की तरह मेरे सामने मूवी लगाई कि मुझे उस एक एक मूर्ति में, एक एक में वो स्पिरिट्स दिखाई दी, मुझे वो ईवल स्पिरिट्स दिखाई दी कि, और मुझे फिर जीसस दिखाई दिए कि जीसस कहते मैं ही सच हूँ, मैं ही सच हूँ, मैं ही राह हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ। वो दिन बस वो जो मैंने सच्चाई देखी है, जो खुदा ने दिखाई है, वो जैसे अंधेरे में जब लाइट ऑन करते रोशनी होती है, तो आज तक मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उस रोशनी में हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, जब आपने मसीह को कबूल किया, आप शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? यहाँ से जर्नी शुरू होती है, असली जर्नी। क्योंकि जीसस के साथ चलना
इट्स नॉट वेरी ईजी इन दिस वर्ल्ड. जीसस को फॉलो करना वाकई मुश्किल है, क्रॉस ही उठाना पड़ता है.